पहले नहीं आ रही थी। सो व्यूवर्स आज हाँ तुमने बुराइयाँ की थी ना, वो उसका रिप्लाई आ गया। क्या? कि बाबू भाई ने मैसेज किया है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी लुक को इतना वो ये पीछे कुत्ता आ रहा है भागू। इसके लिए हमको कैसे बाहर निकलना पड़ेगा। हु इज स्मॉल क्यू, Q&A का क्वेश्चन आया, हु इज स्मॉल क्यू। सो बिया जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नाराज हो रही है। चैलेंज जो था हमारा क्या था आज? अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ये है आपकी प्यारी प्यारी बिया और आज हम घर से काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले हैं। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा जगहों पे घुमाने वाले हैं। घर पीछे या देख लें, नोट कर लें, ठीक है? तब अगली दफ़ा पीछा करना हो घर से कर लीजिएगा, ठीक है? सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कहीं से मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, देखना है एंड तक। घंटी को ऑन कर दें और सब कुछ बजा बजू दें, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, लेट्स गो। तो व्यूअर्स ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। एम आई चेंज टू माई टोन? नो वे। अच्छा जी, ये मेरी लुक है, ये मेरा दुपट्टा है, मैंने सफ़ायर का ड्रेस पहना हुआ है, नीचे बूट्स पहने हुए हैं। घूम के मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुझे चक्कर आए, और मैं यहाँ पर व्लॉग के साथ साथ रील भी बना रही थी तो इस वजह से मैं घूम रही थी। सो मैंने सफ़ायर का ड्रेस ही वेयर किया हुआ है, एक कलौता ड्रेस था जो मैंने सफ़ायर का लिया था, इसके अलावा मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया, ठीक है जी। तो ये मेरा बैग है, गुच्ची का बैग नहीं है ये। तो ये मेरी ओवरऑल लुक है। आपको भी लोग कैसे लगते हैं इसे फीडबैक के जरिए ज़रूर बताया करेंगे, बताया करें, बिकॉज आपका फीडबैक है जो फिर मुझे बूस्ट अप करता है, फिर मेरा दिल करता है करो बाहर निकल के एक व्लॉग बना ही लूँ। यानी कि आज हम काफ़ी दिनों बाद निकले थे घर से बाहर। वैसे आप लोग तो यह कहने तुम्हारे सारे व्लॉग ही बाहर होते हैं। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग एक बहुत बिग वाला व्लॉग बना लेते हैं और उसको फिर हम लोग एपिसोड में रिलीज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये ड्रामास देख देख के ना ये भी सीखा है कि ना व्लॉग एक दफ़ा जाके बना लो घर से बाहर। तो वीकेंड में एक दफ़ा हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता घर से बाहर निकलना, घर भी रहना होता है और घर के काम भी करने होते हैं। सो बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से हम रोज़ बाहर नहीं निकल सकते। तो हम लोग दिन में एक वीकेंड वीक में एक दफ़ा घर से बाहर निकलते हैं और फिर पार्ट्स में व्लॉग्स को रिकॉर्ड करके तो फिर वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको व्लॉग नहीं दिखाती, पहले नहीं आ रही थी। सो व्यूवर्स आज हाँ तुमने बुराइयाँ की थी ना, वो उसका रिप्लाई आ गया। क्या? कि बाबू भाई ने मैसेज किया है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी लुक को इतना वो ये पीछे कुत्ता आ रहा है भागू। सो गाइस यहाँ भाग भाग के हमारी बस हो गई, हमारे पीछे कुत्ते लग गए थे, हम पतले शायद ऐसे ही होंगे मुझे लग रहा है। इतना जुल्म करके नहीं पतला करना चाहिए इंसान को, इंसान अपनी मर्जी से पतला हो तो ठीक है, आप क्यों उसके पीछे कुत्ते छोड़ने? नहीं नहीं, मतलब कहने का ये था मैं तो बहुत पतली हो गई हूँ, शायद तुम पतली हो जाओ। मुझे ख्वाबों में, ख्वाबों में विटामिन दिया गोलियां आज सारी गोलियां बाहर सुट रही है। बिया लग गई, बिया इनिया महंगिया गोलियां लेके आई, अम्मी ने इन्नी बिस्सी के कहती मैं पानी की बाल्टी च रोड़ांगी, तेरी हिम्मत ही कहन जाई गोलियां खा ली। ये केड़ी गोली थी? बोटिंग, बायोटिन, यानी कि वो क्या कह रहे थे से मेरी सारी दवाइयों की। अम्मी ने पता क्या किया, अम्मी ने ना, लेकिन आप लोग खा सकते हैं, आप लोग रिकमेंड है, मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं हो लो। चलें जी व्यूवर्स, अब मैं आ चुकी हूँ जी यहाँ पे, हम लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं। आज हमने दुपट्टा लेना था अम्मी के लिए स्पेशल वाइट कलर का, उनको वाइट कलर पसंद है तो हमने सोचा यार उनके लिए अच्छा सा प्यारा सा दुपट्टा ले लेते हैं ताकि उनको और उनको सरप्राइज़ भी दे देंगे। तो स्पेशल रीज़न ये थी कि उन्हें सरप्राइज़ देना था। और ये जो दुपट्टा है ना, ये फुल चिकन वाला, ये मुझे बहुत पसंद है मेरे पर, ये मेरे थोड़ी सी मेरे रेंज से आगे था क्योंकि ये 2500 का, ये 2500 का मिल रहा था और भाई लास्ट
प्राइस भी इसकी 2000 तक बता रहा था, तो मेरा जो था ना बजट यहाँ तक नहीं था, बट मैंने ये दुपट्टा पसंद कर लिया। मैंने कहा अभी मैं कोई और दुपट्टा ले लेती हूँ, फिर मैं अम्मी के लिए ये दुपट्टा इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, फिर उनको सरप्राइज़ होंगी, बिकॉज आई लव माई मदर अलॉट। सो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और क्यों ना हो जाए, क्यों ना हो प्यार, सबको प्यार होता है ना अपनी माँओं से, इस तरह मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। तो आप लोगों को ये बताना था कि हमारे साथ बहुत बुरा सीन हुआ है, हम जिस दुकान पे जा रहे हैं चाहिए था वो नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर भी हमने दुपट्टा ले लिया। ये राज गज जाके खोलेंगे कि कौन सा लिया है, ठीक हाँ। है और आपको ये भी बताएंगे कितनी खपाई के बाद मिला है, और साथ में हमें वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा था, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, शायद हम नज़र नहीं आ रहे। क्या मैं कैमरे में नज़र आ रही हूँ? पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, कि लोगों को लगता है कि हम हैं ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे। अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि क्या KFC वालों को मैं नज़र आती हूँ या नहीं आती, और अगर नहीं आती तो मैं बैक में जाके किचन से जाके दूर देख लेंगे। वैसे इतको पैसे नहीं है, बूटा वैसे इतको पैसे हैं नहीं, इस सारे राह में निकल गल कह दी है पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पैसे नहीं है, और अब सडनली शी हैज़ अ मनी, आई डोंट नो हाउ, कैसे इतने लोग फेक हो जाते हैं और कैसे ऐसे लोग जो हैं ना मैं अपनी फेकनेस मेंटेन करती हूँ। यार मेरे व्लॉग में तुम नहीं ना होती तो फिर वो लोग कहते हैं कि आप बिया को क्यों नहीं साथ ही कहते, तो बिया मेरे साथ ही, आप देख लो साथ ही हूँ मैं। हाँ आज KFC में पीछे देख ली, कहते हैं ठाम बोल होता है, बातें हो रही थी, और तो ये देखें और हमारे बर्गर साथ थे, दिस इज आवर बर्गर, और अब हम अपना खाना जो है वो इंजॉय करने वाले हैं। AC लग गए थे बंद है, पता नहीं क्या मसला है, हर जगह हम जाम जा रहे हैं, AC बंद है, गर्मी का तोड़ है, जोड़ है, पता नहीं और पता नहीं क्या है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, AC भी बंद है, क्या करें। अच्छा मैं आप लोगों ने कहा था कि आप हम बोर होते हैं और हम बोर होते हैं, ये देखिए KFC ही लिखा हुआ है, अब ना थम हो रहे हैं ना कोई बात कुछ हो रहा है, और हम भी वही हैं, थम भी वही है, चलें चलते हैं खाने पीने के लिए। से यस चैलेंज चलने वाले हैं, जो जीत जाएगा वो उसको मिलेगी ये बची हुई बोतल। सो अभी आपसे पहला सवाल है कि आप क्यूट हैं या क्यूट होने की एक्टिंग करते हैं? आई एम बचपन से क्यूट हूँ, बचपन से नहीं, आप पे एलिगेशन ये लगाएंगे कि आप क्यूट होने की एक्टिंग करते हैं? नो वे, मैं जब से यूट्यूबर बनी हूँ ना मेरे अंदर एटीट्यूड तो ख़त्म ही हो गया, मैं धक्के खा रही हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कह रही हूँ तो क्यूट आप पे एग्ज़ाम ये लगे क्यूट होगी एक्टिंग करनी है, क्यूट है? नहीं नहीं वो एक्चुअली मैं सीरियस हो गई। सीरियस होने की क्या वजह है, ऐसे कौन से हादसे हो गए जहाँ सीरियस हो गए? सीरियस ये है कि लोग मेरी बातें सुन सुन के बेहोश हो जाती हूँ। हाँ लोग ये भी जान, एक मिनट ये भी आए थे कौन से ताने हैं, कौन से ऐसे आपको जहरीले ताने, उन्होंने ये भी कहा था कि आप प्लीज़ लोगों की बातों में ना लिया। एक कमेंट आया था कि वो कौन से जहरीले ताने हैं जिसकी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं, आप वो जहर वाला एक ताना ऑडियंस की नज़र करें ताकि आज ऑडियंस भी बेहोश हो जाए। एक्चुअली बात ये है कि लाइफ में इतने धक्के खाने के बाद ना ये अक्ल आ गई है कि किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपनी जाती बहन पर भी ना करें। मैं ऐसी बहन हुई नहीं। अच्छा गाइज आजकल मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आपको कोई खाने की ऑफ़र करे, अगर आपको केक फ्री में के खाना खा लो तो प्लीज़ मत खाएं। क्या कहिए आप इस बारे में? बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि ड्रामे में उन्होंने बताया है कि खाने में ही वो चीज़ें मिला के ना आपको बहुत हद, आपको ऐसी जहरीली दवाई मिला के खिलाई जा सकती है, पागल करने की दवाइयाँ, हाँ आपको किसी भी तरीके की, आपको बेहोशी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खिला के आपको। देखिए हमारा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि हम हैं यूट्यूबर और हमें आपको हर एक बात की अपडेट देनी होती है, और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को कुछ ना हो। तो खाना ना खाएं ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो इंटरनेट तो इतना डैमेज कर दे, कोई आपको खाना खिलाए ना किसी पे भी ना इतमान होता, डोंट ट्रस्ट ऑन एनी बडी, नॉट ट्रस्ट, और अपनी बहन पर भी ट्रस्ट ना करें। ये तो दोस्त था मतलब, ये अगर आपका कोई फ्रेंड है दोस्त है उस पर भी यकीन, लड़की हो या लड़का हो दोनों पे ना करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है,
और जैसे कि PGC में भी आपने देखा होगा उसकी प्रोटेस्टिंग चल रही है, हम उस प्रोटेस्टिंग के लिए साइड नहीं हैं। जो है ये भी कहा जा रहा है कि झूठ था, ये था, फलां था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अगर झूठ इतना तो नहीं ना बढ़ जाता कि सड़कों तक ही आ जाता, उसमें कुछ तो उस वाक्य में सच्चाई होगी ना। तो झूठ इतना बड़ा नहीं होता, झूठ जो होता है वो झूठ ही होता है। अगर सच्चाई है उस मामले में तो ही वो रोड्स पे लड़के और लड़कियाँ जो है वो आ गई हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि कॉलेज की प्रिंसिपल ही उस बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली में अपने कैंपस को सेव करना चाह रही हैं, अपनी सीट को सेव करना चाह रही हैं, पता नहीं क्या करना चाह रही हैं। बट एवर तो आप लोग कह रहे होंगे मैं कहाँ देख रही हूँ, छोटी सी प्यारी सी डोल सी बच्ची है उसको मैं देख रही हूँ, इतनी शरारतें कर रही है। सो आपसे आपको ये भी बताना था कि लास्ट 2 से 3 मंथ्स हो चुके हैं कि दिया जो है वो अपसेट ही है, सैड ही सैड ही है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि बिया 3 मंथ से ब्लॉग्स में क्यों प्रेजेंट नहीं हो पा रही, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने हमारी हस्ती खेलती बिया को ऐसा उदास बना दिया। तो ये स्टोरी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के ऊपर है कि आखिर लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि क्या ऐसा फेस गुजरा है मेरे पे कि मैं इस तरह की, क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो होगा इसी लोगों को हमने लोगों को प्यार देना है और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके लिए साइड स्टोरी। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था यहाँ का क्रंच बर्गर ऑर्डर किया था, क्या करें सबसे सस्ता यहाँ का क्रंच बर्गर ही होता है, तो हम लोग वही ऑर्डर कर देते हैं और वो हम लोग खा रहे हैं। कसम से आप लोगों को एक बार बताऊँ कि KFC वालों ने सॉस इतनी सॉस सोच के और समझ समझ के डाली है इसके अंदर, इतनी थोड़ी सॉस थी इवन के हम लोगों ने कहीं और से भी खाया था, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉस डाली हुई थी, ओवर इतनी ओवर डाली हुई थी कि हम ज़ाया कर गए थे। बट ये KFC वाले इन्हें चावल ने बाहर की कंपनी है ना, अमेरिका को ना पता चले कि मैं उसकी बुराइयाँ कर रही हूँ, पता क्यों वो फिर अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा कर लेगा। आपको पता है अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री, तो फिर हम लोग ना अमेरिका को यहीं पे छोड़ देते हैं, ही ही जोक था। तो एनीवेज हम लोगों ने बर्गर खा लिया और उसके बाद हम लोग यहाँ की आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम जो थी यहाँ की मैं आप लोगों को बताऊँ डिफरेंट उसमें ये था, टेस्टी थी, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा अच्छा सा था, मिल्की थी और ऐसी कौन जो है ना वो हमें बाहर से नहीं आपको मिलेगी, मतलब कि अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि KFC का खाना अच्छा नहीं होता, बहुत मज़े का होता है एज़ कम्पेयर टू द लोकल मार्केट। हाँ लोकल को कहते थे। यहाँ पे मैं और फातिमा जी आइसक्रीम के साथ चीयर्स कर रहे थे। सो वैसे तो मैं 3 मंथ से कुछ ऐसा हो चुके हैं कि मैं उदास रहती हूँ, बट वे नेवर आई एम विद फातिमा, मैं खुश रहती हूँ, वो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। अब उसकी सारी कोशिशों को ज़ाया कर दूँ तो ये गलत बात है, उसके साथ मैं वैसे ही खुश रहती हूँ, बट हाँ मिडल में बीच बीच में उदास भी हो जाती हूँ। सो आप लोगों से ये कहूँगी मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं खुश रहूँ, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। सो गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है कि मैंने अपने बाल जो है बांध दिए हैं और वॉच मेरी देखिए कैसी है, वाइट है, मैंने न्यू ली है, डायोर की वॉच है, ठीक है। इसकी डिटेल जो है मैं आपको बता दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा मैंने आपसे ये कहना था कि गर्मी नहीं चाह रही, प्लीज़ दुआएँ करें, कहीं मस्जिदों में दुआएँ करवाएँ, कहीं करवाएँ दुआ के गर्मी चले जाए। सो मेरे हूप्स एंड माय बंस जो है वो कैसे लग रहे हैं ये फीडबैक जरूर दीजिए। सो बिया जो है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नाराज हो गई है। चैलेंज जो था हमारा क्या था आज, डक वाला हमारा चैलेंज था, वो हम लोग करने वाले अभी थोड़ी देर में, बट यूट्यूब से इट्स इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट, इसको अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, माजरत। तो यहीं पे एंड कर देते हैं वीडियो को, आपसे नए व्लॉग मिलेंगे, लव फेस। सामने मेरा नज़ारा है, आपको घर बैठे नहीं नज़र आ सकता, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हु इज स्मॉल क्यूट, Q&A का क्वेश्चन आया, हु इज स्मॉल क्यूट, अवॉइडिंग द वे आई एम ईटिंग माई आइसक्रीम, बिकॉज जब मैं खा रही होती हूँ ना मैं ऐसी ही हो जाती हूँ, आई एम एंजॉइंग।
नाइट। मैं आइसक्रीम खा रही थी, मेरे नाक पे लग गई है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक। आपको मेरी सारी अपडेट्स जो हैं वो मेरे चैनल पे ही मिलेंगे, मेरी पोस्टिंग, मेरी पिक्चर्स, एवरीथिंग। सो मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, और आपसे मिलूंगी अब नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।